सामान उठाया और ये पूरे रास्ते गत्ता गिराते जाएगा। बोले थे तू छोड़ दे आधा। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज हो चुका है सैटरडे और आज बहुत दिन बाद ना ऐसा लग रहा है कि काफी रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि आज सुबह मैं बहुत लेट उठी हूँ, अभी उठी हूँ, मतलब 9:30 उठी हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं ऑफिस में होती थी, इतना टायर्डनेस हो गया था कि रात में मैं सोच के सोई थी कि यार आज तो नहीं उठने वाली। तो आज बहुत काम है अपने पास, आपको बताया था ना कि इस वीक हमारे घर की शिफ्टिंग है, तो अभी चाय पीऊँ, अभी जाना है थोड़ा बहुत बाहर से, कुछ कुछ काम है, कुछ सामान लाना है, फिर क्या कहते हैं कुछ और भी है गत्ते वत्ते लाने, वैसे पैकेट्स मूवर्स वाला तो है बट मतलब थोड़ा बहुत जो पैकिंग है वो खुद से करना इज बेटर कुछ कुछ सामान का, तो वो आज पैकिंग करूंगी, बाकी कल वो लोग आएंगे तो फिर बाकी सामान की पैकिंग होगी, और अभी बहुत सारा काम है। चलो ठीक है। और पता है रात में ओले पड़े थे, हाँ दिल्ली में बहुत बिग बिग साइज के ओले पड़े थे। हाँ अर्श, हाँ कल रिकॉर्ड किया था। चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम में। अभी हम निकल चुके हैं अपने मतलब काम के लिए। काम ये है कि अभी जाके घर के लिए एग्रीमेंट करवाना है, कुछ कुछ पेपर्स देने हैं, उसके बाद बहुत सारा काम है छोटा छोटा, कार्टन्स वगैरह लेके आना है। यू पैकेट्स मूवर्स वाला तो आएगा कल, लेकिन कुछ सामान है जो हम लोगों ने सोचा कि चलो खुद से ही कर लिया जाए। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, बताया था ना एग्रीमेंट के लिए आना है, तो मेरे बैग में जो सोसाइटी दिख रही है बेसिकली इसी में हमें शिफ्ट होना है, तो अभी वेट कर रहे हैं ऑनर के आने का। एक बड़ी वो आ जाएंगी, उसके बाद एग्रीमेंट करा के निकलेंगे यहाँ से, बाकी का काम फिर निपटाना है, बहुत कुछ है आज के लिए। तो गाइस एक बात बताना, मैं कुछ देख रही हूँ, ये फैशन है, ये जो शूज़ पहन के बंदा जा रहा है ये फैशन है या इसने गलती से दोनों शूज़ पहन लिए है, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताना, सॉरी। तो गाइस अभी मैं आई हूँ घर, नए घर के इसके लिए सामान खरीदने, थोड़े थोड़े कुछ सामान लेने पड़ेंगे ना। अगर बढ़िया सा टब है तो दे दीजिए, नहीं है रस्सी दे दी, रस्सी दे दी है इसमें है, हाँ जी है, ठीक है। तो ये देखो भाई ने गत्ता उठाया है और मैंने ये सारा सामान उठाया और ये पूरे रास्ते गत्ता गिराते जाएगा। बोले थे तू छोड़ दे आधा आधा लेते हैं, पूरे रास्ते गत्ता गिरा रहा है। तो ये देखो यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है, बस पैकिंग करना है, चल रहे है ना, और पैकिंग करके निकलना है हमें। तो गाइज अभी देखो घर की क्या हालत है, ये देखो ये इतने कार्टन्स पैक हो गए हैं और इतने सारे कार्टन्स जो है वो ऐसे ही रखे हुए हैं पैक होने के लिए, ये सारे ये हम लोगों ने पैक कर लिया। और इसके अलावे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी भीड़ लगाई है हम लोगों ने पैकिंग कर, यहाँ पे भी बच्चों का देखो अलमारी खाली हो गया, अभी ये दोनों के खिलाफ कॉपी की पैकिंग हो रही है। इस पे मत बैठना ये फट जाएगा, नहीं खुल रहा है सुनीता, फ्रिज वाला डोर बंद कर दिया है पूरा, दिमाग से करना होगा, खुल गया तो प्याज ऐसे काट लिए सुनीता, और जाएगा प्याज कम है। सुनीता आज बना के खिला रही है चिकन, ये देखो प्याज नहीं है, इतना ही है। तो गाइस ये देखो ये हमें मिला, क्या है ये अटैची, हाँ। अब इसका इसमें सरा हुआ सब कुछ है, ये कब का अटैची जरा बताना। ये लेके मैं दिल्ली आया था, हाँ। 2001 में जब दिल्ली आए थे तो यही एक सूटकेस लेके हम दिल्ली आए थे। तो देखो ऐसे जिंदगी शुरू होती है, एक ये सूटकेस लेके ये आए थे दिल्ली, और अभी देखो अभी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और इतना सामान है, इतना सामान है और इतने सारे लोग हैं, तो ये इसको हम लोग कितना भी पुराना हो जाए कुछ भी हो जाए इसको हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि इससे इसकी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो ये देखो जब आज हम लोग थक गए तो बेड पे बैठ के हम लोगों की चल रही है यहाँ पे पार्टी, मोमो की पार्टी। मैं थक गई थी तो बदले में मुझे आज मोमो खाने को मिला, वैसे मैं डाइटिंग पे हूँ बट कभी कभी खा लेती हूँ। चलो ठीक है गाइज, अब ना मैं थक गई हूँ क्योंकि सुबह उठ के वापस से काम करना है, तो वीडियो को भी यहाँ ही एंड कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख लियो तो प्लीज़ लाइक कर देना,
कमेंट कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.